यमुना में आए बाढ़ के चलते गढ़ी मेंढू गांव के लोगों को सरकार ने पुस्ता की सड़क पर टेंट लगाकर उसमें ठहरने और खाने पीने की सुविधा प्रदान की है। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के डीसी और सादरा जोन के चेयरमैन ने बाढ़ ग्रस्त लोगों का हालचाल पूछा और उनकी परेशानियों को दूर करने का भरोसा भी दिया। देखिए, जो यमुना के क्षेत्र में जो बाढ़ की वजह से लोग पुस्ते के ऊपर विस्थापित स्थिति में हैं, उन लोगों से आज हमने बात की है। हमने एमसीडी की दृष्टि से दौरा किया। यहाँ पर लोगों को स्वच्छता की कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। अपनी सारी टीम को लेकर, डीसी साहब को लेकर, एसी साहब और हमारे स्वच्छता के सारे लोग रहे, हमारे पार्षद जी और सारी टीम एमसीडी की रही है, हेल्थ से रिलेटेड लोग रहे हैं, हमारी गाड़ी साथ में है, हमारे साथ दवाइयों की, किसी प्रकार की कोई लोगों को असुविधा ना हो, मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हुए आज का दौरा रखा गया है। और देखकर अच्छा लगा, अधिकतम लोगों ने संतुष्टिजनक जवाब दिया है। वो यहाँ की सफाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं, मच्छरों की दवाई निरंतर छिड़की जा रही है, धुआं हो रहा है, साफ़ सफाई बराबर हो रही है, उनको मेडिसिन मिल रही है, खाने पीने के पैकेट भी दिल्ली सरकार के द्वारा जो बांटे जा रहे हैं वो भी मिल रहे हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी और लोग आकर भी यहाँ पर सहायता कर रहे हैं। मुझे लगता है जो इनके दुख को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, इनकी परेशानी को ख़त्म तो नहीं कर सकते, मगर इनकी परेशानी को सरकार के द्वारा जो अधिकतम समस्याओं का समाधान किया जा सकता है वो किया गया है और निरंतर किया जा रहा है। और आगे के लिए भी मैंने डीसी साहब से भी बात की है, इसी साहब को भी आदेश किया है कि जो हमारे स्वच्छताकर्मी हैं, कुछ लोगों को हम दिन की शिफ्ट में से निकाल के और रात की शिफ्ट में भी हम कुछ लोगों को यहाँ पर देंगे, जो हर वक्त थोड़ा बहुत आदमी यहाँ पर रहें, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कुछ हम बोर्ड्स भी यहाँ पे छोटे मोटे लगवाएंगे, जिन बोर्ड से हमारी हेल्पलाइन नंबर और हमारी जो ज़रूरत आवश्यकताओं के नंबर हैं वो नंबर भी लोगों को एनी टाइम यहाँ पर उनकी जानकारी में हो सके, क्योंकि कई बार उन्हें नहीं पता होता कि कौन यहाँ पर पार्षद है, कौन अधिकारी है, कौन विधायक है, तो किससे संपर्क करें। तो ऐसा आया है, एक MT वहाँ पर लगी हुई थी, वहाँ पर कम लोग यूज़ करने वाले हैं और आगे गढ़ी मेंढू गाँव के बाहर वहाँ पर MT की समस्या थी, तो उसको भी स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं। जो बेहतर से बेहतर सुविधा हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहले मानवीय दृष्टिकोण को आगे रखते हुए हम करेंगे, चाहे हमें अपनी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी से भी आगे बढ़ के जाना हो। अब कांवड़ वाला तो हर साल होता है और वो तो हमारी उसमें एक्सपर्टाइज है, हम उसको सैनिटेशन और वेक्टर बॉर्न डिजीज को रोकथाम के लिए हर कदम उठाते आ रहे हैं। ये बाढ़ विस्थापितों के साथ भी हम पूरी उसी तैनाती के साथ लगे हुए हैं और अभी हमने दौरा किया, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है, सब संतोषप्रद काम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जहाँ भी हमें ऐसी फैमिली है जो बाढ़ से पीड़ित है, वो जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है हम तुरंत उनके लिए टेंट लगा देते हैं, टेंट लगा के उसको शिफ्ट कर देते हैं। और अब कोई ऐसी फैमिली नहीं है हमारी नज़र में जो शायद बाहर हो। कल तक ये समस्या हमने सारी दुरुस्त कर दी है और दिन में इनको लगभग 3 टाइम हम खाना दे रहे हैं प्रॉपरली, उसके साथ ही मेडिसिन की भी सुविधा दी जा रही है, पानी का टैंकर हमेशा अवेलेबल रहता है और हमारे कोई इनको या तो मैं अपने लेवल पे या SDM साहब या DM मैडम सब राउंडली दौरा लगा रहे हैं, प्रॉपरली कोई इनको यहाँ अवेलेबल रहता ताकि सारी भी किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो तुरंत सॉर्ट आउट किए। गाँव में भी मैं खुद भी राउंड लगा के आया हूँ, SDM साहब ने भी राउंड लगाया है और गाँव में भी ऐसा कुछ नहीं है। जिस फैमिली को अगर पानी की वजह से या तो ऊंचाई पे है, जो कोई नीचे है, उनको हम पर्सनली खुद जाके निकाल के लेके आए हैं और बाहर इनको आके टेंटों में उनको स्थापित किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से MCD अधिकारी व दिल्ली सरकार के अधिकारी बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें दूर करने के आदेश भी दे रहे हैं। CD News दिल्ली संवाददाता महेश कुमार की रिपोर्ट।